15:30 बजे 363 के कलम के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है, जिसमें स्नेहा सदन मोरे और छोटी कुमारी अजीत सिंह ये दो लड़कियां मिसिंग थी। और ये गुना दाखिल होने के बाद में चंदननगर पुलिस स्टेशन ने काफी तहकीकात इस केस में की गई, इनके बारे में काफी जानकारी लेने की कोशिश की गई। उनके किसी से कुछ पहचान है क्या, कोई उनके संबंध है क्या, इस चौकसी के दरमियान ये निष्पन्न हुआ है कि ये दो लड़कियां और उनके दो और सहेलियां और उनके कोई मित्र ये सब 16 तारीख को 16 जुलाई 2016 को खराड़ी डैम के यहाँ सवेरे 8 बजे से 10:30 बजे तक घूमने के लिए टहलने के लिए गए थे। आपको मालूम है कि यहाँ ये बारिश का मौसम है। वहाँ अंदाजन 10:30 बजे के बाद में उनमें से एक सहेली के घर में ये चारों लड़कियाँ खाना खाने के लिए गई। ये डैम की तरफ गए तो उनके साथ में उनके मित्र भी थे, लेकिन खाना खाने के वक्त ये चार लड़कियाँ थी, उसके दरमियान छोटी कुमारी अजीत सिंह की बड़ी बहन जिन्होंने फोन करके उनका पता पूछने के बाद ये मालूम हुआ कि पिताजी बहुत गुस्सा है और इस तरह से आप कहाँ हो, जल्दी घर में आइए। लेकिन इस चौकसी में ये भी मालूम हुआ कि ये दो जो लड़कियां हैं स्नेहा सदानंद मोरे और छोटी कुमारी अजीत सिंह, इनका अपने दोस्तों के साथ ये जो पहचान थी इसके बारे में घर के लोग काफ़ी नाराज थे, उनके ऊपर गुस्सा भी हुए थे। तो ये दोनों लड़कियां ने अपने जो मित्र थे उनको ये उनके ऊपर बताया कि अभी हम दोनों भी आत्महत्या करने जा रहे हैं। और आज दिनांक 20 जुलाई 2016 को 11 बजे के दरमियान मूला मुठा के ये नदी के पात्र में ये दोनों लड़कियों का शव मिला है। पोस्टमार्टम उनके बारे में चालू है। ये तहकीकात में ऐसे सत्कुर दशे में शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्कूल में जाने के बहाने ये दोनों लड़कियां खराड़ी डैम में घूमने के लिए गई थी और अभी घर के लोग काफ़ी नाराज हो गए और ये डर से गुस्से हो जाएंगे, इस डर से ये दोनों लड़कियां ने आत्महत्या की है ऐसा दिखाई दे रहा है। और इसमें काफ़ी तहकीकात अभी भी चालू है।